दोस्तों आईपीएल 2021 का ऑक्शन जल्द ही होने वाला है और इस ऑक्शन से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने काफी सारे प्लेयर्स को जैसे शेन वॉटसन, केदार जाधव, मिचेल सैंडर, मुरली विजय जैसे प्लेयर्स को तो ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो वहीं इसके बाद टोटल 10 प्लेयर्स को ऑक्शन के पहले चेन्नई की टीम रिलीज करने वाली है। तो कौन है वो प्लेयर्स, क्या लिस्ट रहने वाली है और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किन प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शामिल करने वाली है, पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट सीएसके फैंस, आईपीएल फैंस फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे। आपको क्या लगता है किन प्लेयर्स को सीएसके की टीम रिलीज करने वाली है, कमेंट बॉक्स में अभी बता दें। गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट में तो सबसे पहला नाम आता है शेन वॉटसन का। आपको बता दें 2020 का आईपीएल खेलने के ठीक बाद शेन वॉटसन ने खुद साफ कर दिया था कि अब वो पूरी तरह से क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और रिटायरमेंट ले लिया है। वहीं आप इनके सीजन को देखते हैं तो 2019 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए, उतना खास परफॉर्मेंस शेन वॉटसन से नहीं निकला था। तो ये तो रिलीज होने वाले हैं इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर। अगर आप देखते हैं तो एज अ ओवरसीज ओपनर काफी सारे प्लेयर्स ऑक्शन में आने वाले हैं। एलेक्स हेल्स हैं, बेन मैकडरमट, मैथ्यू वेड, फिलिप साल, डेविड मलान जैसे बड़े प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन प्लेयर्स को जरूर से खरीदना चाहेगी और जिस प्रकार की फॉर्म है डेविड मलान की सभी क्रिकेट लीग डेविड मलान पर सीएसके की टीम दाव लगाने वाली है। तो वहीं इनके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो वो रहने वाले हैं केदार जाधव। आपको सुनकर हैरानी होगी, 7 करोड़ हर साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम केदार जाधव को देती है और जो अपनी कीमत को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रहती नहीं है और अब इनको भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है और जिसके बारे में एमएस धोनी ने भी कुछ समय पहले बयान भी दिया था। और इनसे जो रकम बचेगी 7 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुछ और बड़े प्लेयर्स को शामिल कर सकती है। अगले प्लेयर की बात करें जिनको कन्फर्म तौर पर रिलीज कर दिया है वो रहने वाले हैं मुरली विजय। 2020 के आईपीएल में 3 मैचेस इनको खिलाए गए थे, परफॉर्मेंस किसी में अच्छी नहीं आई थी और अब घरेलू क्रिकेट खेलते नहीं है मुरली विजय। तो ऐसे में इनको ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई और ओपनर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शामिल करने वाली है। तो वहीं हरभजन सिंह, जिन्होंने आईपीएल 2020 के ठीक पहले अपना नाम विथड्रॉ कर लिया था कि ये आईपीएल नहीं खेलेंगे कोविड-19 के चलते, और अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनको भी रिलीज कर चुकी है। तो 4 प्लेयर्स को तो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, शेन वॉटसन, केदार जाधव, मुरली विजय और हरभजन सिंह। तो वहीं इनके बाद अगर आप देखते हैं तो पीयूष चावला, जिनको लगभग 7 करोड़ में 2020 के ऑक्शन में सीएसके की टीम ने शामिल किया था और पूरे मैच तक इनको नहीं खिलाए गए थे। जितने मैच खिलाए गए कुछ मैच में अच्छी परफॉर्मेंस रही लेकिन इसके बाद परफॉर्मेंस लगातार वीक होते गई। तो पीयूष चावला को भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिलीज करने वाली है। साथ ही साथ करण शर्मा, जिनको 5 करोड़ देती है हर सीजन, इनको भी सीएसके की टीम रिलीज करना चाहेगी और कोई और एक्सपीरियंस्ड स्पिनर सीएसके के स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। तो वहीं यंग प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो यंग प्लेयर्स तो इनके पास काफी सारे हैं। केएम आसिफ, मोनू कुमार, आर साई किशोर, एन जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़, इन प्लेयर्स पर देखना दिलचस्प होगा क्या सीएसके का मैनेजमेंट कहता है, किस प्रकार से इन पर डिसीजन लेता है, इनको रिलीज करता है या फिर नहीं करता है। तो गाइस ये रहने वाले हैं लगभग 8 से 10 प्लेयर्स जिनको सीएसके की टीम 2021 के ऑक्शन से पहले रिलीज करने वाली है और नए प्लेयर्स को टीम में शामिल करने वाली है। आपको क्या लगता है किन प्लेयर्स को 2021 के सीजन में बतौर ओपनर सीएसके की टीम को ऑक्शन से खरीदना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर से बताएं और सभी आईपीएल अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।